गाइस यार दिवाली आने वाली है और अभी तक हम लोगों ने कुछ भाई किया भी नहीं है कि दिवाली में हम लोग क्या ही करेंगे। गाइस यार चलो कोई बात नहीं, कल वाली वीडियो में आपको हम लोग गाइस दिवाली का सेलिब्रेशन वीडियो लाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली। मैंने गाइस सोच रखा है भाई क्या क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आज की दिवाली बनने वाली है। इस ईयर की दिवाली हम लोग बहुत बढ़िया वाला पंडाल बनाएंगे, पटाखे जलाएंगे, बहुत खतरनाक सीन होने वाला है। जी हाँ गाइस चलो भाई खुल जा सिम सिम। अब यार ये मिक्की माउस आगे क्यों खड़ा रहता है? अबे ये 6x6 फॉर्च्यूनर यहाँ क्या कर रही है? अरे फ्रेंकी भी आ गए क्या? हाँ मैं आ गया, तू क्या बोल रहा है? अरे यार दिवाली का कुछ सोचा है? हाँ मैंने सोचा है ना भाई, हम लोग गणेश उत्सव जैसे मनाए थे, जैसे भाई हम लोगों ने दशहरा मनाया था, वैसे ही गाइस हम लोग एक पंडाल बनाएंगे दीपावली का, एंड उसमें गाइस यार लक्ष्मी जी और गणेश जी की भाई पूजा करेंगे बढ़िया तरीके से, एंड यार पटाखे की दुकान पे जाके पटाखे भी लाएंगे। अरे यार तब तो मजा आएगा कल। हाँ हाँ कल बहुत ज्यादा शानदार वाला वीडियो आने वाला है। चल ठीक है यार, तूने ये रॉक्स वाली थार नीचे क्यों लाई है? अरे यार रॉक्स वाली? अरे सॉरी सॉरी, रॉक्स वाली तो मैं लेके आया था, ये फॉर्चूनर लीजेंडर भाई 6x6 नीचे क्यों लाई है? अरे यार मैं क्या सोच रहा था ना, आप ना रॉक्स वाली थार को भी 6x6 बना दो। रॉक्स वाली थार को? इसको 6x6 इसको क्यों बनाएंगे, नई खरीदनी पड़ेगी। अरे हाँ गाइस ये देखो, ये है फॉर्चूनर लीजेंडर 6x6 कार जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बनाया था, एंड देखो गाइस कितना ज्यादा खतरनाक दिख रहा है भाई, मजा आ जाता है सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भी बहुत खतरनाक है। हाँ गाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एंड यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया भी है। तो गाइस देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा बढ़िया भी है। तो यार सिंचन आज क्या करेंगे? अरे यार मैं क्या बोल रहा था, रॉक्स वाली थार को 5 डोर बनाया है ना भाई? मैंने थोड़ी बनाया, ये तो महिंद्रा वालों ने बनाया है। अरे तो इसको 6x6 करते हैं ना भाई? इसको 6x6 यार काफ़ी टफ है, लेकिन भाई टॉय कार बना सकते हैं गाइस यार, आइडिया तो काफ़ी बढ़िया है हमारे पास। भाई ये देखो ये 1 सीटर है, हम लोगों के पास 3 सीटर भी भाई लॉन्ग वाली कार भी है, एंड उसके साथ आज मैं भाई सिंचन बोल रहा है ना कि भाई इसको टॉय कार बनाया जाए, वो भी भाई साहब 6x6, ये 4x4 है भाई, 6x6 बनाने को बोल रहा है यार। वीडियो का आइडिया तो बहुत तगड़ा है सिंचन, वैसे ये कार मिलेगी कहाँ पे? अरे सिमियन के शॉप पे आज भी सेल लगी है उसकी। अरे यार उसके शॉप पे तो हमेशा सेल लगी ही रहती है, क्या खास बात है? अरे यार वो देगा? हाँ मेरे ख्याल से वो डिलीवरी दे देगा, क्योंकि भाई रॉक्स वाली थार को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया है, एंड वो बोल रहा था कि भाई अब भाई बहुत सारी मिल रही है। चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं गाइस यार बेनी के गैराज में भी जाके हम लोगों को उसको टॉय बनाना है ना, तो सबसे पहले तो भाई सिमियन के शॉप पे जाके पूछताछ कर लेते हैं कि वो हमको भाई रॉक्स वाली थार दे देगा कि नहीं। आजा सिंचन जल्दी निकलते हैं इधर से, बैठ जल्दी। अरे हाँ चलो चलो गाइस यार, अभी ये भाई साहब बैठ चुका है और अभी हम लोग सिमियन के शॉप की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों को गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई रॉक्स वाली थार को 6x6 पहले बनाना है, उसके बाद गाइस यार हम लोग उसको भाई साहब कन्वर्ट कराएंगे टॉय कार में, जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। लेट्स गो गाइस, पहुँचते हैं हम लोग सिमियन के शॉप पे, एंड गाइस देखते हैं कि क्या उसके शॉप पे हम लोगों को वो कार मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर सिंचन 6x6 नहीं बन पाएगी तो? अरे क्यों नहीं बनेगी? मतलब यार अभी अभी नई नई लॉन्च हुई है ना, इसलिए मैं बोल रहा था, फॉर्चूनर लीजेंडर तो काफ़ी टाइम हो गया है ना उस वाले कार का। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, देख लेते हैं क्या सीन है, एंड यार आप लोगों को भी गाइस दिखाते हैं। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ भाई साहब प्रीमियम डिलक्स मोटर स्पोर्ट्स पे, और सेल तो तगड़ी वाली लगी है भाई, अंदर जाने का रास्ता भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। चलो कोई बात नहीं गाइस, आते हैं एंड देखते हैं। यहाँ पे तो भाई रेड वाली थार, भाई रॉक्स थार, इस भाई ने यहाँ पे क्यों खड़ी की है? अरे भाई साहब बीच में क्यों खड़ा किया है? और मैंने ये अभी अभी ख़रीदा है, बस डिलीवरी ले रहा हूँ। अच्छा जी गाइस यार कार तो देखो यार कितनी ज़्यादा बढ़िया है, ये है रॉक्स वाली थार गाइस 5 डोर की, एंड अभी अभी इस बंदे ने गाइस यहाँ से डिलीवरी ली है, यानी कि डिलीवरी चालू हो गई है। और गाइस देखो यार यहाँ पे ब्लैक है, वाइट है, येलो है, ब्लू है, और भी गाइस अंदर भी गाइस बहुत सारे कार्स है। चलो गाइस देखते हैं अंदर का क्या सीन है। अरे भाई अंदर तो ये ब्लैक, रेड और वाइट वाली लगी है। गाइस वाइट में भी 2 टाइप की कार है, ये थोड़ी सिल्वर है की है, और बाहर जो खड़ी थी ना वो प्योर भाई साहब वाइट थी, है ना सिंचन? अरे यहाँ बात करो बात करो। रुक जा भाई। अरे यार सिमियन मेरे को एक रॉक्स वाली थार चाहिए थी, एंड उसको भाई 6x6 बना के दे दे तू।
और फ्रैंकलिन सॉरी सॉरी ब्रो, तुमको 2 दिनों की वेटिंग करनी पड़ेगी। 2 दिनों की वेटिंग? समझा नहीं मैं भाई, क्या करूँगा मैं। अरे फ्रैंकलिन, ये सारी कार अभी सेल पे हो गई है, ठीक है, सेल आउट हो गई है, तो 2 दिन बाद नई कार की कलेक्शन आएगी, तुमको उसमें से सबसे पहले वाला ही दिला दूंगा। अबे यार, पहले जब मैं आया था तब तू तो 6-6 महीना बोल रहा था, अब 2 दिन का वेट करने का बोल रहा है। मैं वेट नहीं कर सकता भाई, दिवाली के पहले मेरे को चाहिए। अरे फ्रैंकलिन, बात को समझा करो, इतना ज़्यादा कलेक्शन मैंने रखा था, लेकिन आज धनतेरस है ना, धनतेरस में सारी कार्स बिक गई। अरे यार, दिवाली का धनतेरस भी तो है आज, और सारी की सारी कार्स भाई सेल आउट हो गई है, क्या करे सिंचन। अरे यार, भाग जाते हैं लेके। नहीं यार, ये लोग तो भाई क्या ही बोलूं, और यहाँ से लेके भागना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देख रहा है इधर भी इसने भाई ये क्या लगा दिया है, इसको तो भाई मैं तोड़ भी नहीं सकता भाई। ऐसे तो हम लोग पैदल जा सकते हैं, मतलब वॉक करके, लेकिन यार चल कोई नहीं, वॉक करके तो जा ही सकते हैं, बट यार इधर आते हैं एंड यार चलो कोई बात नहीं सिंचन, क्या ही करेंगे। अरे फ्रैंकी भैया यार, मैं एक आइडिया दूँ क्या? क्या क्या? अरे यार, ये फर्स्ट वाला डिलीवरी ले रहा है ना। हाँ ले रहा है, तो अरे यार इसको पीछा करेंगे और ऐसा मौका देख के इससे कार छीन लेंगे। भाई तेरा आइडिया तो बड़ी बढ़िया है भाई। रुको गाइस, यार सिंचन का गाइस पता है क्या सिंचन बोल रहा है, ये बंदा जो रेड वाली कार के बगल में खड़ा है और भाई साहब ये फॉर्मल ड्रेस पहन के, सिंचन बोल रहा है ये यहाँ से निकलेगा ना तो कहीं ना कहीं तो भाई ऐसे लोकेशन पे जाएगा जहाँ पे भाई सन्नाटा होगा, वहाँ पे हम लोग इससे भाई कार को ले सकते हैं। आइडिया गाइस यार सिंचन का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, है ना फ्रैंकी भैया? हाँ हाँ, आइडिया तेरा बहुत बढ़िया है। वैसे गाइस, मैं यहाँ से गाइस कार कहीं किसी भी कीमत पे नहीं ले जा सकता, चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड है, गार्ड से तो नहीं मतलब है, बट ये बैरिगेट लगा है ना, बैरियर लगा है, तो इसको भाई हम लोग तोड़ भी नहीं पाएंगे, और पीछे के साइड भी लगा है, तो भाई चोरी का कोई भाई नाम ही निशान नहीं है यहाँ पे। चल भाई कार के अंदर बैठ जाते हैं। अरे कार के अंदर क्यों? बैठ तो मैं बता रहा हूँ, ये निकलने ही वाला है, मेरे को लग रहा है ये तुरंत निकलेगा, तो भाई जैसे ये निकलेगा उसका पीछा करेंगे हम लोग। देख सकते हो गाइस, एक भाई अभी खड़ा हुआ है। अबे सिंचन, ये तो बैठ गया। अरे हाँ, बैठने गया है गाइस यार, ये अभी भाई कार के अंदर बैठा है। चलो गाइस, इसका पीछा करते हैं। सिंचन का जो आइडिया है, पता नहीं गाइस यार ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बट कोई बात नहीं गाइस यार, ये देख रहे हो भाई नई नई कार जो आती है ना बहुत तगड़ी होती है। वैसे हम लोगों के पास टॉय कार है पहले से, और लॉन्ग कार भी है 3 सीटर, लेकिन अभी हम लोगों को 6x6 चाहिए भाई, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना ये। अरे 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 भाई, ये क्या कर रहा है भाई, थार वाले का अलग ही नुस्खा होता है, देख रो ये देखो बाइक वाले को कैसे ठोक रहा है आगे निकलने के लिए। देखो गाइस इनका अलग है, रुको एक गोली मारता हूँ, सारे लोग दौड़ दौड़ के भागेंगे और रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने जैसा किया वैसा हुआ, और भाई ये कुछ ज़्यादा ही तेज नहीं भगा रहा है। अरे भाई स्पीड देखो गाइस, मेरी स्पीड देखो, अरे भाई 105 इसने ठेका दिया था भाई। गाइस यार स्पीड बहुत तगड़ी है। अरे इधर सन्नाटा है भाई, इतनी तेज भगा रहा है, इसको कैसे हम लोग पकड़ेंगे। गाइस देख ही सकते हो, अगर भाई कार्स नहीं रहती ना रोड पे, ये तो भाई मेरे को लगता है भाई आसमान में उड़ा उड़ा के ये कार ले जाता है, इतनी तेज़ी से भगा रहा है। गाइस इसका अलग ही लेवल का चल रहा है, अब इसको क्या ही पता कि हम लोग इसके पीछे लग पड़े हैं इसकी कार को भाई साहब अपने हाथ लेने के लिए, ठीक है। तो चलो गाइस, अभी हम लोग आ चुके। अरे भाई क्या तेज़ी से भगा रहा है बे, ऐसी कौन सी स्पीड है भाई, ये देख रहा भाई इसको चलाने नहीं आ रहा, मेरे को पक्का लग रहा है ये छपरी है। गाइस थार ज़्यादातर छपरी लोग भी खरीदते हैं ना भाई, इन लोगों ने छपरियों ने कार खरीद खरीद के थार भाई इसका भाई पूरा हुलिया ही ख़राब कर दिया, स्टेटस ही डाउन कर दिया। जैसे KTM बाइक को छपरी छपरी बोलते हैं, वैसे अब थार को भी गाइस लोग छपरी छपरी बोल रहे हैं यार, क्योंकि सारे लोग भाई खरीद ले रहे हैं छपरी लोग। भाई इसको कैसे करके पकड़ेंगे यार, देख रहा है भाई ये तो पूरा बढ़िया इलाके में जा रहा है, पता नहीं गाइस ये कहाँ जा रहा है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं इसके पीछे पीछे लगा तो हूँ। अरे यार इसका टायर फोड़ दो। अब पागल है क्या, फिर हम लोग ले कैसे जाएंगे, इसको लेके भी तो जाना है। गाइस जरा देखते हैं, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहाँ पे हम लोग इस पर अटैक कर पाएंगे एंड डायरेक्ट वाइज से हम लोग अपनी कार नहीं है इसकी कार लेंगे। ऑल राइट राइट, भाई कितनी ज़्यादा स्पीड भगा रहा है ये। अरे भाई कुछ ज़्यादा, अब पलट जाएगी भाई, देखना पलटेगी कैसे इसको, भाई साहब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसको चलाने भी नहीं आ रहा है, हैंडल कर ही नहीं पा रहा है इतनी स्पीड को। गाइस यार देख रो अभी, अरे भाई ये तो पहाड़ी इलाके में जा रहा है, यानी कि हमारा काम हो जाएगा अगर ये पहाड़ी इलाके में गया तो, क्योंकि भाई उधर पूरा रास्ता क्लीन होता है। अरे सिंचन ये देखो हाईवे पकड़ रहा है,
ये 11 इधर। अभी गाइस मैं इसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता हूँ। चल बेटा अब रुक जा, रुक रुक रुक, और भाई रुक भाई क्या कर रहा है, इसको आगे से रोकना पड़ेगा। चल सिंचन जल्दी उतर। अरे क्या हो गया? अबे यार इसको बेहोश भी तो करना है, हाथ में स्टन गन मैंने लिया है। अरे भाई इसने देख लिया क्या मेरे को? अरे सिट सिंचन। अरे यार मेरे को भी ठोक दिया। अबे यार बहुत गलत सीन हो गया है, जल्दी जल्दी बैठ, वो सीधे जा रहा है, जल्दी बैठ सिंचन। अरे भाई बहुत तेजी स्पीड से भागा यार, कैसे भी करके उसको पकड़ना है। गाइस मैं भी थोड़ा बूस्ट ले लेता हूँ। ऑल राइट गाइस यार बहुत तेजी से वो गंदा गया है भाई। कहाँ गया? अरे यार गया होगा इधर ही कहीं। कहाँ गया? सिट, ये रहा ये रहा, ये देखो लगता है आउट ऑफ कंट्रोल होके ऑफ रोडिंग में घुसा दिया इसने। ये देखो ये देखो, अबे पलटी पलटी बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाहता था भाई, इधर कहीं पलट जाए। अरे भाई ट्रक वाले ने भी मेरा साथ दे दिया। चल बेटा निकल जा। अरे यार कैसे? अबे यार भाई निकल भाई, क्या कर रहा है भाई, इसी के अंदर बैठा है ये, जल्दी निकल भाई, इसको मैं बेहोशी कर देता हूँ। ये देखो मैंने गाइस इसको बेहोश कर दिया है, एंड ये बंदा यहाँ पे पलटी खाया है। ट्रक वाले ने मेरा साथ दिया था भाई, जाओ जाओ तुमको कुछ नहीं करूँगा। अगर ट्रक वाला नहीं रहता तो ये रोकता ही नहीं, ट्रक वाले ने ही इसको भाई रुकवा दिया। गाइस कार मेरे को मिल चुकी है, अभी ये रॉक्स वाली थार भाई। चल सिंचन अब बेनी को भाई सब देंगे इसको भाई बनाने के लिए टॉय। अरे पहले 6x6 तो बनाओगे ना? अरे यार 6x6 तो सिमियोन ही बनाता है ना, अब ये लोग कौन है मेरे को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, भागो यार। चलो गाइस अभी मैं सिमियोन के शॉप पे दोबारा से जाऊंगा। अरे वो पूछेगा कि आपके पास ये थार कैसे आई तो क्या बोलोगे? अरे मैं उसको बोल दूंगा कि अभी अभी तूने जो डिलीवरी दी ना, तो उससे मैंने भाई थोड़े से ज्यादा पैसे दे के उससे कार खरीद ली है, वो तो मान जाएगा ना। अरे इसका आइडिया तो बहुत परफेक्ट है आपका। हाँ आइडिया मेरे पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया आते हैं। तो गाइस हम लोगों को अभी भाई साहब थार तो मिल गई है, अब इसको गाइस हम लोगों को 6x6 में कन्वर्ट कराना है। एंड गाइस आप लोगों को गाइस दिखाना है कि हम लोग गाइस कैसे इसको बनाते हैं, और भाई आप लोग सपोर्ट करो, हम लोग और भी गाइस 6x6 कार बनाएंगे। अरे 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 भाई ये तो अलग ही लेवल की कार है वे, मजा आ जा रहा है गाइस चला के इसको। चलो भाई सिमियोन का शॉप पे भाई बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे, वो इतना ज़्यादा तेज़ी में ही चला रहा था ना कि भाई मेरे को लग रहा था कि वो बहुत आगे निकल जाएगा, बट यार मैंने कैसे भी करके उसको रोक लिया। एंड भाई हम लोगों को ये कार तो मिल गई है, अभी हम लोगों को गाइस जाके इसको 6x6 बनाना है। एंड भाई सिमियोन को बोलना है कि मैंने भाई कार लाई है, उसको 6x6 बना दे। ऑल राइट गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, एंड यार भाई जाके सिमियोन से मेरे को बात करनी है कि जल्दी से जल्दी इसको भाई सब बना दे, ठीक है। अभी अभी कुछ देर पहले डिलीवरी हुई थी और मैं लेके आ गया, क्या बात है। चलो आजा भाई बात कर लेते हैं सिमियोन से जल्दी से जल्दी। चलो 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 गाइस गाइस गाइस, अरे सिमियोन भाई मैं आ गया हूँ दोबारा से। और फ्रैंकलिन मैंने तुमसे 2 दिन बाद बोला था ना आने के लिए। अरे नहीं नहीं 2 दिन बाद क्या भाई, तेरे को पता है भाई मैंने ना अभी तूने जो रेड वाली डिलीवरी कराई ना उससे भाई कुछ ज़्यादा पैसे दे के कार खरीद ली है। अरे फ्रैंकलिन क्या बात कर रहे हो, उससे जाके तुमने खरीद ली? हाँ हाँ भाई, और उसने मेरे को दे भी दी है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, उसको मेरे को 6x6 बनाना है। अच्छा ठीक है, पीछे गैराज में लेते आओ, मैं तुम्हारी कार को 6x6 बनवा देता हूँ। ठीक है यार, चलो गाइस यार कार को पीछे लेके आते हैं। गाइस यार इसको शक भी नहीं हुआ कि मैंने भाई उसको मार के, मारा तो नहीं उसको, बेहोश करके कार छीन के लाया हूँ। एंड अभी जाके भाई पूरा हुलिया चेंज करा दूंगा बेनी के गैराज में जाके, ठीक है। तो चलो गाइस इसको पीछे लेके चलते हैं। एंड भाई पीछे का तो रास्ता बंद है ना? अरे देखो खोल दिया होगा इसने, पता नहीं यार यहाँ पे तो भाई बैरियर लगा था मोटे मोटे, अच्छा एक हटा दिया है। चलो गाइस यहाँ से हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं, एंड इसको बैक करके लगाएंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे, ये इसका भाई साहब सर्विस का काम यहीं पे होता है। चलो गाइस भाई कितना धुआं उड़ा रहा है ये। ऑल राइट गाइस अभी हम लोग यहाँ पे हैं, एंड गाइस यार देखते हैं कब तक ये बनाता है, तब तक हम लोग देखते हैं भाई कौन कौन सी कार डिलीवरी होती है, इतने सारे लोग भी तो आए हैं गाइस यार कार्स खरीदने के लिए। तो चलो भाई मैंने यहाँ पे दे दिए उसको टॉय में बनाने के लिए, तो बेनी में, बेनी के गैराज में जाएंगे। लेकिन गाइस अभी हम लोगों को भाई 6x6 देखना है, और देख रहे हो भाई ये लिया है ब्लैक। अरे भाई साहब आपने ब्लैक लिया है क्या? आइला मेरा फेवरेट कलर ब्लैक ही है, इसलिए तो मैंने ब्लैक लिया है। अच्छा जी भाई इसका फेवरेट ब्लैक है, इसका भाई कौन है? अरे मैडम आपने ये वाइट वाली थार ली है क्या? अरे हाँ हाँ मैंने ये वाइट वाली थार ली है, कैसी लग रही है? अरे बहुत प्यारी लग रही है मैडम, और इसने लगता है ये वाली। अरे भाई तूने कौन सी ली है?
अरे ब्रो मैंने तो ये येलो वाली थार खरीदी है। हाँ लग तो रहा है भाई, लगता है इन सब की डिलीवरी आज ही हो जाएगी। देख रहे हो भाई ये लोग बाहर खड़े इसलिए, एंड अंदर वालों के अभी भाई साहब जो भी है कागज वागज बन रहे होंगे। तो देखते हैं गाइज हमारा 6x6 कार कब बन के रेडी होता है, देन आप लोगों को गाइज हम लोग दिखाते हैं। गाइज यार यहाँ पे जितनी भी सारी कार्स थी ना भाई, रेड कलर की तो भाई मैंने ले ली, वाइट कलर की थी, ब्लैक थी, येल्लो थी और ब्लू था। तो अभी अभी चार कार्स की गाइज डिलीवरी हो गई है, सारे बंदे यहाँ से चले गए हैं एंड ये सारे लोग भाई ऑर्डर करने के लिए अभी आए हुए हैं। एंड अंदर गाइज यार कुछ कार्स अभी डिलीवरी के लिए निकलने वाली है। उसके अलावा हमारी कार गाइज यार 6x6 बन गई है, चलो दिखाते हैं। यहाँ से भाई 6x6 दिख रही है, यहाँ से नहीं दिख रही है, थोड़ा और आगे जाओगे फिर भी नहीं दिखेगी, थोड़ा और अभी भी लग रहा है भाई 6x6 नहीं है। अब देखो अभी भी नहीं लग रहा होगा ना गाइज, हमारी कार 6x6 बन गई है। चलो मैं आप लोगों को इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ कैसी गाइज बनी है। भाई सिंचन अरे हाँ आजा आजा गाइज, इसको बाहर निकालते हैं एंड देन आप लोगों को गाइज दिखाते हैं ये वाली कार को भाई 6x6 कैसी बन के रेडी हुई है। मैं तो गाइज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये वाली कार देख रहे हो गाइज कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। एंड भाई साहब टायर तो देखो भाई इसके, भाई क्या लग रही है। सिंचन आजा गाइज, ये बन गई है हमारी 6x6 कार। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसी बन के रेडी हुई है, देख रहे हो गाइज क्या लग रही है। ये है हमारी रॉक्स वाली थार एंड भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये देखो भाई इसके टायर एक यहाँ पे, दूसरा तीसरा और भाई तीन इधर भी है, यानी कि टोटल गाइस 6 तो का इसमें भाई सब टायर हो गए हैं। एंड ये है अपनी 6 नहीं भाई 7 टायर है ना, एक एक्स्ट्रा में पीछे भी तो लगा है, 7 भाई कार मतलब यार हो चुकी है। एंड गाइस कार तो देखो क्या लाजवाब बन के रेडी हुआ है। ऑल राइट अभी हम लोगों को डायरेक्ट गाइस इसको बेनी के गैराज में लेके जाना है एंड इसको टॉय कार में कन्वर्ट होने को लिए दे देना है। गाइस देख रहे हो कितना ज़्यादा बिंदास है एंड इसका इंटीरियर तो देखो। चलो गाइस इसको लेके चलते हैं, चल सिंचन अरे हाँ चलो जल्दी। हाँ गाइस यार फटाक से पहुँचते हैं एंड गाइस यार इस वाले कार को हम लोग टॉय में बनाएंगे, 6x6 टॉय कार। अरे भाई साहब क्या मस्त चल रही है बे गाइस, देख रहे हो यार अभी हम लोगों के पास भाई दो कार हो जाएगी, फॉर्चूनर एक 6x6 है, अभी थार आ जाएगी और उसके बाद हम लोगों को भाई मैं सोच रहा हूँ कोई और भाई तगड़ी वाली 6x6 बनाया जाए। आप लोग गाइस बताना कौन सी कार 6x6 बनानी चाहिए। ये देख रहे हो गाइस कितना खतरनाक तरीके से ये चल रहा है। अरे 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 आराम से भाई आराम से गाइस, देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा बिंदास चल रहा है गाइस। एंड आई होप ये वाला कार आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होगा एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अरे जल्दी चलो। कहाँ पे? अरे यार बेनी के गैराज में चलेंगे, पहले देख लेते हैं इसका भाई चला के। भाई मैं थोड़ा एक्सपीरियंस ले रहा था भाई, ये भाई ड्रिफ्ट भी मारती है कि। अरे भाई साहब गाइज आप लोग बताना कि नेक्स्ट कार जो है ना आप लोगों को 6x6 में कौन सी चाहिए, उसके बाद हम लोग गाइज कुछ बनाएंगे। और देख रहे हो गाइज ये कितनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये कार चल रही है। एंड भाई यार 6x6 का बात ही अलग है भाई, अब यार ठोक दिया मैंने। अभी इसको भाई हम लोग टॉय कार में बनाएंगे। एंड ये क्या हो रखा है सिंचन? अरे क्या हुआ? अबे यार यहाँ पे तो पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं, किसका? अरे मेरे को क्या पता। अबे तू कार में बैठ रहा, मैं देखता हूँ गाइस क्या सीन है ये किसको। अबे भाई सामने देखो एनकाउंटर चल रही है। अरे भाई पुलिस वाले ने मार दिया भाई शॉट। अरे पुलिस वाला गया सिट यार, मेरे सामने पुलिस वालों को मार दिया भाई, दोनों को मार दिया क्या। अरे यार क्या हो गया भाई, ये तो गुंडे हैं, रुक तेरी ऐसी की तैसी पुलिस वालों को मारेगा, लॉस एंटोस के पुलिस वालों को मारेगा भाई, मारेगा तू। ये दे भाई तो कौन है बे जो मेरे को भाई भाई सिंचन। अरे भागो ये बालास लेंगे, मेहमान नहीं छोड़ेंगे भाई, इनको बताता हूँ मैं कौन है भाई। आ जाओ आ जाओ, और है और डॉगी को भेज रहे हो, डॉगी को चौक के जैसा डॉगी है इनका। वेल मैंने सारे को टपका दिया है, और भी है क्या? अरे देखो ना अभी तो आ ही रहे हैं। कार को ही डाल डालता हूँ, ये बेटा मेरे सामने पुलिस वालों को तुमने मारा है, ऐसे कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। अबे यार ये कार क्यों नहीं फट रही है, फट गया अभी, फटी अभी, और है क्या? कहाँ से मार रहे हैं ये नूबड़ा, छिप छिप के घर से मार रहा है, और है क्या? ये बेटा भाग कहाँ रहे हो, भागने दूंगा ही नहीं मैं, कैसे कैसे भाई है। पुलिस वालों को इन लोगों ने टपका दिया भाई, इनकी हिम्मत तो देखो अलग ही लेवल की हिम्मत है। चलो गाइज हम लोग कार में बैठते हैं, सिंचन तो बैठा ही है। ऑल राइट अभी हम लोग इधर से निकलते हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भाई, अरे भाई ये ख़त्म हो गया, जल के मरा नूबड़ा साला। चलो इसको लेके अभी बेनी के गैराज में गाइज जाना है।
एंड इसको गाइस हम लोगों को टॉय में कन्वर्ट कराना है। टॉय में ऐसी वैसी कार नहीं भाई, 6x6 बन गई है। एंड 6x6 टॉय कार कैसी लगी यार, समझ रहे हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगने वाली है। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग चलते हैं बेनी के गैराज में ये वाली कार को टॉय कार में बनवाने के लिए। एंड बेनी का गैराज इधर से कहाँ पे है, सिंचन में रास्ता तो नहीं भटक रहा है? अरे नहीं, सीधे चलो, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, यहाँ से एक राइट साइड में जाएंगे ना तो एक शॉर्टकट है इधर से, कहीं से तो कहीं शॉर्टकट है। ये रहा शॉर्टकट, यहाँ से भी जा सकते हैं। देखो यार, ये शॉर्टकट है बेनी के गैराज में जाने का, और यहाँ से लेफ्ट लेना है और आ गया गाइज हमारा बेनी भाई का गैराज। ये देखो आ गया ना गाइज, चलो। और फिर से ये सिम वाले खुल जाएगी गेट, एंड इसके अंदर हम लोग एंट्री लेंगे। अरे भाई, यहाँ से तो ऑलरेडी एक कार है सिंचन। अरे कौन सी? अरे रॉक्स थार है भाई, नॉर्मल वाली। क्या बात है, इसको कर क्या रहा है बेनी, पता नहीं भाई। आजा जरा देखते हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं बेनी। अरे कहाँ है गाइज, ये वाली कार किसकी होगी? ये देखो, ये रेड वाली भाई है, लगता है अभी अभी गाइज ये आई है भाई, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए। पता नहीं गाइज किसकी है, ये तो नॉर्मल वाली है, वो 6x6 है। एंड ये बेनी है कहाँ पे, ऊपर है क्या? अरे देख लो। अबे ऊपर भी नहीं है, रुक मैं इसको कॉल करके बुलाता हूँ, लगता है बाहर गया है कहीं। अरे भाई साहब, आपकी कार रिपेयर हो गई है, एकदम फर्स्ट क्लास रिपेयरिंग कर दिया है, पैसे 5000 हुए हैं। अबे पैसा लेगा मेरे से, चल निकल लूँ बड़े यहाँ से। अबे ये क्या कर रहे हो भाई साहब, मैंने आपकी कार को इतने अच्छी तरीके से सर्विसिंग की है, ऐसे कैसे जाने दूंगा। नहीं नहीं, आप बाहर निकलो तो, पैसे कैसे नहीं दोगे, 5000 रुपये बड़ी रकम होती है, ऐसे कैसे जाओगे। अरे मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं भाग जाऊंगा। अरे यार ये क्या बात हो गई यार, इतनी महंगी कार छोड़ के पैसे के लिए भाग गए, ऐसे ऐसे नूबड़े होते हैं। छोड़ो, जाने दो, अभी अभी कॉल आया है फ्रैंकलिन का, गैराज से बुला रहा है, चलो वही मेरे को काम देता है। पता नहीं कुछ आज फिर से टॉय कार में कन्वर्ट कराने के लिए कोई कार लाया होगा, और उससे भाई मेरा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मेरा रोज का प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया है। ऑल राइट, मैं पहुंच चुका हूं अपने गैराज में, अभी फ्रैंकलिन से बात करके भाई पूछ लेता हूं क्या है। ये तो भाई रिपेयरिंग के लिए आई थी, पीछे का डिक्की किसी ने ठोक दिया था, अभी तक ये लेके नहीं गया क्या नुबड़ा। अरे फ्रैंकलिन बताओ। अरे भाई साहब, ये क्या लेके आया हो फ्रैंकलिन, 6x6 थार? हाँ भाई, वो सब तो ठीक है, ये नॉर्मल थार किसकी है? और फ्रैंकलिन, तुमको नहीं पता क्या, ये अभी खरीद के जा ही रहा था तो किसी ने इसको पीछे से ठोक दिया, तो ये ना भाई पीछे से ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसको रिपेयरिंग कर दिया है, अभी ये कुछ देर में चली भी जाएगी। तुमको क्या करना है? अरे मैंने ना नई वाली कार को 6x6 बनवा दिया है, बस तेरे को भाई इसको टॉय में कन्वर्ट कराना है, ठीक है? और ये बात है क्या, हो जाएगी फ्रैंकलिन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूँ, तुम लोग वेट करो, ठीक है? हाँ भाई, मैं वेट करता हूँ। सिंचन, तेरे को जहाँ जाना है चला जाओ, शोरूम पे जाना है देख ले, एक बार घूम ले। तो चलो गाइस यार, इसने बोला है इसने कर देगा, मैं थोड़ा थक गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाके एक नींद मार लूँ, क्योंकि अभी 2-3 घंटे तो भाई काम चलेगा ही, तो इस सोफे पे आराम से सो जाता हूँ। यार मैंने ना बेनी के गैराज में एक चीज़ नोटिस की है, ये पता नहीं क्या सीन है, यहाँ से हम लोग उस साइड कैसे जाएंगे और ये वाला डोर कैसे ओपन होगा, ये तो भाई मेरे लिए मिस्ट्री है, आज तक मैंने ये ओपन करते हुए नहीं देखा। छोड़ो ये सब क्या है, मेन बात पे आते हैं। और ये रहा बेनी, और बेनी ने मेरा क्या काम किया है, ये देखो हमारी जो रॉक्स वाली थार थी वो गाइस टॉय में कन्वर्ट हो गई है, एंड कितनी ज़्यादा बढ़िया दिख रही है भाई। चलो इसको लेके चलते हैं भाई, मज़ा आ गया। हमारे पास कितने टाइप की 5 डोर वाली रॉक्स थार होगी, एक तो नॉर्मल टॉय, एक 6x6 होगी, एक भाई है बहुत खतरनाक वाली भाई 3 सीटर, भाई 3 टाइप की रॉक्स थार सीट है हमारे पास। सोच रहे हो, समझ रहे हो गाइस, कितनी प्यारी प्यारी कार्स हम लोग बना रहे हैं। देख रहे हो टायर, देखो मतलब यार हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कार अभी बनाना स्टार्ट की है, अभी 6x6 पे फोकस करेंगे, एंड भाई साहब बहुत प्यारी प्यारी 6x6 कार बनाएंगे। गाइस देख रहे हो ये कितना ज़्यादा मक्खन की तरह चल रही है, एंड 6x6 में थोड़ा पावर रहता है ना, तो इसका स्पीड देख लो आप लोग भाई, कितना जल्दी पिकअप पकड़ रहा है, टॉय कार होके इतना ज़्यादा स्पीड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे, लेकिन गाइस कितना ज़्यादा स्पीड से ये दौड़ रहा है भाई रोड पे। और भाई साहब स्पीड देखो भाई, मज़ा आ गया ये 6x6 टॉय कार चला के।
गाइस आप लोगों को ये 6x6 ट्वाइगर कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। एंड गाइस देख रहे हो कितनी ज़्यादा मक्खन की तरह या कितनी ज़्यादा फुर भाग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई ये कोई टॉय कार है, ऐसा लग रहा है भाई। इसको हम लोग 2-सीटर बना सकते थे बट थोड़ा सा इसको लंबा करना पड़ता, इसलिए हम लोगों ने उस पर फोकस नहीं किया है। फिलहाल गाइस ये वाली आप लोगों को कार कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। एंड गाइस यार भाई साहब आप लोगों को भाई साहब क्या करना चाहिए कि हम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए एंड तभी आप लोगों को भाई ब्रांड न्यू वीडियोस देखने को मिलेगी। एंड भाई साहब भाई बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ कहाँ पे, ये देखो भाई अपने शोरूम पे। अब यार शोरूम पे कार सेल नहीं हुई है क्या सिंचन? अरे एक हुई ना। हाँ 5 कार थी, एक पर्पल कलर की थी वो लगता है सेल हो गई है ना। अरे हाँ 4 बकी है, आज बंदे आ ही नहीं रहे। अरे आज आएंगे कैसे, सारे लोग भाई आज पड़ाके वड़ाके खरीद रहे होंगे ना भाई। हम लोगों को भी दुकान खोल जानी चाहिए थी पड़ाके की, बट कोई नहीं गाइस देख सकते हो हमारे पास इतनी सारी कार्स है ना, ये बिक जाएगी तो काम हो जाएगा। ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। अरे जाओ जाओ मैं आ जाऊँगा। हाँ तू आ जाना। वेल गाइस सिंचन भाई आएगा लेट करके क्योंकि भाई अभी शॉप पे भाई कार्स बची हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। वेल भाई ये वाली कार आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। एंड गाइस देख रहे हो कितनी ज़्यादा मक्खन की तरह ये रोड पे चल रही है एंड भाई बहुत तगड़ी भी लग रही है। वेल इसको लेके अभी हम लोग घर चलते हैं। एंड घर पे आपको तो पता ही है भाई 60 कार का कलेक्शन हो गया हमारे पास। चलो गाइस जल्दी जल्दी पहुँचते हैं अपने घर के लिए एंड आप लोगों को गाइस दिखाते हैं कौन कौन सी कार्स है हमारे पास पहले से और अभी कौन कौन सी आने वाली है। वैसे भी गाइस यार हम लोग धीरे धीरे करके 100 कार का जो टारगेट रखे हैं ना वो कैसे भी करके कंप्लीट तो करना है। चाहे गाइस यार आप लोग भाई सपोर्ट करो या ना करो, आप लोग सपोर्ट तो कर ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 7 चक्के वाली टायर है भाई, 3-3, 2-4 तो पीछे हो गए, 2 आगे और 1 सबसे पीछे ये डिक्की पे जो लगा है। तो चलो गाइज इसको लेके अभी हम लोग ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। एंड गाइज यहाँ से राइट लिया और भाई साहब देखो ये कार गाइज कितनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से चल रही है। ये देख मिक्की माउस। अरे फ्रैंकलिन सर ये तो 6x6 महिंद्रा की थार है रॉक्स वाली। हाँ हाँ भाई गाइज यार ये रॉक्स वाली थार अभी हम लोगों ने लेके आए हैं। एंड गाइज ये वाली रॉक्स थार आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप लोगों ने ये सब देख लिया, मिनी पेट्रोल पंप अपना भाई, ये भाई बहुत बढ़िया राम मंदिर, देन यहाँ पे भाई सिद्धू मूसे वाला हवेली। एंड गाइज यार आप लोगों को भाई ताजमहल मैंने दिखाई दिया। चलो भाई अभी ऊपर वाला एरिया में चलते हैं एंड आप लोगों को गाइज दिखाते हैं कि हमारा कलेक्शन कौन कौन सी कार्स का है। ये तो नीचे का फर्स्ट फ्लोर था, सेकेंड फ्लोर पर जैसे एंट्री करोगे तो यहाँ से भाई स्टार्ट हो जाती है कार्स की कलेक्शन। जैसे ये भाई साहब हो गई फायर ट्रक, लैम्बोर्गिनी उरुस, एमसीयू की इन कार, ये ट्रक, फरारी, मस्टंग जीटी, बस, ये फिर से ट्रक, फिर से बस, ट्रैक्टर, टैंकर, फिर से ट्रक। भाई ये देख रहे हो यहाँ से कलेक्शन की कलेक्शन ही है। 15 कार यहाँ पे है सेकंड फ्लोर पे भाई, 15 कार, थर्ड फ्लोर पे भी गाइस 15 ही कार है। लाइक सबसे पहले यहाँ पे थार, फॉर्चूनर, लीजेंडर देख रहो, यहाँ से भाई देखो स्टार्ट कर दिया मैंने। भाई अगर आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते होगे ना तो आपको पता ही होगा हमारे पास कितनी सारी कार्स का कलेक्शन है। देख रहो गाइस भाई डिफरेंट डिफरेंट कार है भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी कार्स है। वेल भाई ये हो गया हमारा तीसरा और ये चौथे पे हम लोग आ रहे हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ एक और फ्लोर अभी बनाने का, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे भी खतरनाक खतरनाक, देखो ये लॉन्ग कार है फॉर्चूनर लीजेंडर वहाँ पे है। एंड ये देखो लॉन्ग कार और इस वाले कार में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ये थोड़ा आधा हो गया, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है ये। चलो गाइस यहाँ पे ये सारी इतनी सारी कार्स हो गई, ये देखो भाई लास्ट फ्लोर पे चलो। एंड ये रहा हमारा 5वां फ्लोर एंड इस पे भी गाइस काफ़ी सारे कार्स हो गई है, लाइक बहुत सारी कार्स। तो चलो इसको यहाँ पे लगाते हैं एंड हमारा कलेक्शन गाइस कितना हुआ अभी, हो चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6। अरे भाई मैं काउंट करना क्यों भूल जा रहा हूँ, एक यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अरे भाई 13 हो गए, यानी कि पूरे के पूरे 58 कार्स गाइस कंप्लीट हम लोगों ने कर ली है आज। एंड अभी और भी गाइस कार्स आनी बाकी है और 60 हो जाएगी, उसके बाद 40 और आएगा, मतलब 42 और कार्स आनी बाकी है। इसलिए चैनल पे बने रहो, सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाले एपिसोड में।